हेलो, सो नाओ विल मू वॉन्ट यूर अदर पेपर विच इज़ कम्पल्सरी इंग्लिश सी ई वन जीरो वन और विल स्टार्ट विद स्टोरीज बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट इट बिफोर तो बुक का नाम है लाइफ अनफल्डेड एंड विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टोरी जो है पैरट इन द केज पिंजड़े में तोता बाय मुल्क फर्स्ट स्टोरी है तो इसलिए ये क्या है हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे एक एक लाइन पढ़ेंगे जैसे हम पहले आपके सीनियर्स के साथ मैं करता था बट इसके आगे से देन यू नो फ्रॉम नाउ आगे से जो स्टोरीज हम पढ़ेंगे दैट वी विल जस्ट डील विद लाइक ब्रीफली यू नो ये एक एक पेज डिस्कस करेंगे फिलहाल विल डू दिस वन स्टोरी इन डिटेल सो मुल्कराजान बॉर्न नाइनटीन जीरो फाइव इन पेशावर जो कि अब पाकिस्तान में है ही इज़ अ पाइन ऑफ इंडियन इंग्लिश फ़िक्शन यूज टू राइट नॉवल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज अनटचबल नाम का जो इनका उपन्यास है दैट इज़ वेरी फेमस और ज़्यादातर ये क्या है ही यूज़ टू राइट अबाउट द ऑपरेशन एंड प्लाइट ऑफ़ द पुअर एंड डिसएडवान्टेज जो गरीब या फिर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके दूरदर्शा के बारे में ये लिखते थे एंड ही इज़ अ रेसिपियंट ऑफ द साहित्य अकादमी अवार्ड अब आते हैं पैरट इन द केज पे यू नो सो इसके क्या है सेटिंग क्या है इस कहानी की इट्स सेट ड्यूरिंग द पार्टीशन टाइम्स जो नाइनटीन फोटी सेवन इंडियन इंडिपेंडेंस क्योंकि ये जो क्या है भारत की जो आज़ादी है उसके लिए एक हमें बड़ा एक बड़ा प्राइज देना पड़ा था एंड वॉट वॉज दैट पार्टीशन यू नो विभाजन जो हुआ वायलेंस राइट्स दंगे डिस्प्लेसमेंट्स लोग आधे लोग कहीं इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं तो हमें आज़ादी जो और ऑल ऑफ़ दिस अगेन इन अ वे थैंक्स टू द ब्रिटिश देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज़ और क्या है ब्रिटिश ऑफिसर्स की टीम आती है एक लाइन बना देती है और कहती है आगे आज से क्या है ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है सो ऑल ऑफ दिस यू नो सो दिस इज़ द सेटिंग फॉर द स्टोरी और ऐसे ही जो लाखों लोग जो थे जो जिन्होंने अपना जीवन खोया अपने दोस्त परिवार अपना घर खोया वैसे ही क्या है इस कहानी की जो हीरोइन है रुकमणि एक बूढ़ी औरत लाहौर से जो कि अब अमृतसर भाग कर आ चुकी है दिस स्टोरी इज़ अबाउट हर एंड वॉट इज़ शी डूइंग इन अमृतसर शी इज़ वेटिंग आउटसाइड द डेप्यूटी कमिश्नर्स ऑफिस और उसका और कुछ भी नहीं है कोई जान पहचान नहीं है सो शी इज़ होपिंग दैट द डी सी विल हर रुकमणि के पास दुनिया में एक ही चीज़ है एक तोता है पिंजरे में जो उसके साथ रहता है और जो उसे अभी भी जैसे लाहौर में जो उसकी दोस्त उसे पुकारती थी रुकमणिये रुकमणिये वेर आर यू वट आर यू डूइंग तो वो सब तोता रिपीट करता है और कहीं ना कहीं क्या है रुकमणी का यही एक कनेक्शन है वो उसे बेटा शी कंसिडर्स द पैरट हर सन और एक तरह पे देखिए एज वी हैव टॉक्ड अबाउट यू नो लिट्ररी या फिर कहानी पोइट्री में किसी भी एक जो ऑफन यू नो देर आर टू लेयर्स ऑफ मीनिंग्स एक तो है लिटरल मीनिंग जो आपको शब्दों में दिखता है और दूसरा है एक थोड़ा मेटाफोरिकल या फिलोसॉफिकल मीनिंग सो फॉर इंस्टेंस यानी जो आप कोई मुहावरा भी लीजिए यू नो टेक एनी इडियम फॉर इंस्टेंस क्या नाच ना जाने आंगन टेढ़ा तो लिटरल मतलब क्या हो गया कि ये गार्डन है आंगन है और वो टेढ़ा है इसलिए हम उस पर नाच नहीं पा रहे हैं बट वी आर नॉट ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दैट यू नो जो असली मतलब इस मुहावरे का क्या निकलता है कि आपको कुछ चीज़ करने नहीं आती है सो यू आर ब्लेमिंग द प्लेस और द टूल्स राइट सो सिमिलरली एक है अगर ये जो तोते के सवाल हैं वेयर आर यू वॉट आर यू डूइंग तो एक, नतर, एक कही ना तो कहीं ना कहीं लिटरली भी है कि हाँ कहाँ हो क्या कर रही हो बट एट द सेम टाइम क्योंकि ये सवाल बार बार तोता उठाते रहता है और क्योंकि रुकमणी की जो हालत है और जो उस समय इनफैक्ट जो पूरी दुनिया उस समय भारत पाकिस्तान की जो हालत थी ये सब देखते हुए ये जो तोते के सवाल कहीं ना कहीं टेक ऑन अ वेरी फिलोसॉफिकल एंड आयरॉनिक टोन क्योंकि ऐसी स्थिति में जब आप पूछ रहे हैं बार बार कि कहाँ हो लाहौर में हो कि अमृतसर हो कल तक तो ये कोई जो गाँव बॉर्डर पर था वो पाक वो इंडिया था अब लेकिन पाकिस्तान हो गया है या फिर वॉट आर यू डूइंग क्या कर रहे हो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ के रोड पे डी सी का इंतजार कर रहे हो सो ऑल ऑफ दैट राइट सो लेट्स टू द स्टोरी रुकमणियन दैज इन दे रुकमणिज कॉल हर वेंडे एंटर दूचा चाबुक स्वरन इन लाहौर तो लाहौर में कूचा चाबुक स्वरन नाम की गली थी जहाँ पर रुकमणि रहती थी और वहाँ पर जैसे उसके मित्र जो उसे आवाज लगाते थे रुकमणिये रुकमणिए वैसे ही तोता भी अभी उसे आवाज़ लगा रहा है he repeated the call even before she could answer him as she was wont to do when she wanted to humour the bird. she did not answer but sat crouching on the fringe of the road about half a furlong away from the amritsar court. तो जो amritsar court है जहाँ पे शायद D.C का office है या फिर D.C को वहाँ आना है, वहाँ वो road के side में बैठके इंतज़ार कर रही है अपने तोते के साथ और तोता उन्हें सवाल पूछते जा रहा है। सो द द मेन कैरेक्टर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड और सेटिंग आपको बता दी गई है लाहौर से अमृतसर कोर्ट के सामने है रोड के बगल में और रुकमणि और तोता और उनके बीच में कैसा रिश्ता है इस सब के बारे में आपको बताया जा रहा है रुकमणिय रुकमणिये द पैरट कॉल्ड आउट अगैन शी वज पीरिंग थ्रू द लिटिल क्लाउज ऑफ डस्ट रेज बाय द पासिंग मोटर्स एंड टोंगा एंड याक इन द डायरेक्शन फ्राम विच यू हैड बीन टोल्ड बाय द रोस्टेड ग्राम स्टॉल कीपर द डिप्टी कोलेक्टर वॉज टू कम एंड शी रिमेन हीडलेस टू द पैरट्स क्राई तो क्या है धूल उड़ते जा रही है तांगे मोटर गाड़ियाँ जा रही है रोड से और इस सब के बीच में रुकमणी इंतज़ार कर रही है किसका डिप्टी कलेक्टर तो नोट द स्पेलिंग क्योंकि अब जो रस्टिक देहाती लोग हैं जो ग्राम स्टॉल ग्राम क्या हो चने तो चने बेचने वाला एक और कैरेक्टर आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है उसके पास में बैठी है रुकमणि रोड पर और उसे बताया गया है कि जो डिप्टी कलेक्टर या फिर डिप्टी कलेक्टर आने वाले हैं रुकमणि एनि रुकमणिए द पैरट कॉल श्रिलियन वेंट ऑन रिपीटिंग द क्राई विद द शोर मॉकिंग बर्ड इंस्टिंग दैट इफ हीप्टन कॉलिंग हर शिवर आंसर तो क्या है तोता रुकमणि एनी रुकमणिय बोलते जा रहा है क्योंकि उसे लग रहा है जवाब मिलेगा और फाइनली जवाब आता है हाँ माइसन हाँ द ओल्ड वूमेन सेड आफ्टर ऑल वेयर ई लीड थोड़ा थकी है दुखी है तो इसलिए बोलती है दे हेड बीन अ डल एक बिहाइंड द स्मॉल नॉट ऑफ हेयर ऑन द बैक ऑफ अर हेड उसके जो क्या है बैक ऑफ द हेड पे जहाँ पे क्या वो बाल बांधते हैं वहाँ पर एक दर्द हो रहा है नाउ विद द माउंटिंग हीट ऑफ द सेप्टेम्बर मॉर्निंग याद रखिए अमृतसर पंजाब प्लेन्स की बात है तो सेप्टेंबर में भी बहुत गर्मी रहती है वहाँ पर और जैसे जैसे क्या है सुबह से दिन हो रहा ढल रहा है वैसे ही गर्मी बढ़ते जा रही है इट सीम टू हर लाइक द रंबलिंग्स ऑफ द ड्रेडफुल नाइट वेन मर्डर एंड फायर रेज एंड लेन तो इस सब के बीच में जो उसका कष्ट है जो गर्मी बढ़ रही है इस सब के बीच में उसे क्या है द ड्रेडफुल नाइट वो जो खौफनाक रात की याद आ रही है कौन सी रात जब वो लाहौर से भागी थी जब मर्डर एंड फायर हैड ड्रेस डिनर लेन जब उसकी जो गली है कूचा चाबुक स्वरण में मर्डर मौत और आग फायर चले थे दंगों में जैसा होता है मार धाड़ होती है और घर वर जलाए जाते हैं लिटिल रिविलेट्स ऑफ स्वेट्रिकल थ्रू द डीप फिशर्स ऑफ ओल्ड एज आइज़ हम्म सो अगेन वेरी यू नो पोइटिक इमेजेस तो बेसिकली उस बूढ़े लोगों के क्या है चेहरे पे रिंकल्स आ जाती है झूरियाँ होती है तो उसमें उन लाइनों में से जो क्या है बुढ़ापे के लाइनों में से क्या है पसीने के धारियाँ नीचे घिर रही है एंड अराइज एंड विद द इन्वर्टेड ऑफ हर हैंड टू प्रोफ द सन लाइट मोर श्योर क्या है वही आप अप, अप, अपने हाथ से क्या है ढक के धूप में देख रही है कि डी सी कब आएगा हर कॉन्ट्रैक्टेड टूथलेस माउथ वॉज ओपन एंड कपल ऑफ फ्लाईज केम द केम फ्राम द डायरेक्शन इन विच ही लुकड एंड सेटल्ड ऑन द कॉर्नर्स ऑफ हर लिप्स गर्मी है मक्खियाँ भी है और उसके मुंह में दांत नहीं है और इधर उधर क्या है मक्खियाँ बैठ रही हैं शी वेव्ड हर लेफ्ट हैंड जिंजरली टू स्कैटर द फ्लाइज हाथ से वो अपने स्कैटर करती है फ्लाइज को इधर उधर करती है बट दे परसिस्टेड लेकिन वो भी वापस आ जाते हैं एंड सेटअप एंड इरीटेशन इन अर सोल थ्रू विच शी फेल्ट अ पैनिक सीजर बली और इरीटेशन एक ऐसा यानी यू नो दर्द भी क्या एक ऐसी इरीटेशन उसके सोल सीधा आत्मा तक ऐसी इरीटेशन जग रही है इस गर्मी से इन ये जो क्या है इंतज़ार से और मक्खियों से कि क्या है उसके आत्मा तक इरीटेट हो रही है और फिर तोते का नेक्स्ट सवाल आता है द पैरट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नीं तो कितने हैं पंजाबी में रुकमणि यानी कि तुम कहाँ हो वेर आर यू द पैरट कराई डाना द कराई विच ही हैड लर्न फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंड्स हु इन वेरेबली आज डॉट एंट्रिंग द लेन वेर आर यू जैसा कि उसके पुरान लाहौर uh, में रुकमणि के दोस्त उसे पूछा करते थे यानी कहाँ हो फॉर शी यूज टू बी अवे अर्निंग हर लिविंग एज अ मेड ऑफ ऑल वर्क क्लीनिंग यूटेंसिल्स फॉर द पीपल इन द बिगर हाउिसज इन द लेन हाउ वॉज मोस्टली हिडन फ्रॉम व्यू इन द इनर ऑफ द राग ग्राउंड फ्लोर रूम बाय द वॉल इन द गली सो बेसिकली अब तक देखिए आपको पूरे क्या है अब इस कहानी का इंट्रोडक्शन मिल चुका है मेन कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं रुकमणी तोता चने वाला और एक जो डिप्टी कलेक्टर है जिसका इंतज़ार हो रहा है टाइम का बता दिया गया है आपको क्या है इट सेट इन द पार्टीशन टाइम और दिन का समय है कहाँ अमृतसर कोर्ट के बाहर रोड में इंतज़ार हो रहा है और धीरे धीरे अब क्या है आपको रुकमनी का बैकग्राउंड भी दिया जा रहा है वो लाहौर में क्या करती थी शी वॉज अ मेड क्या है बर्तन धोती थी लोगों के और क्या है वो एक छोटा सा एक उसका ग्राउंड फ्लोर एक डार्क रूम था उसी गली में कूचा चाबुक स्वरन में वहाँ वो रहती थी तो फिर फाइनली वो जवाब देती है सन आई डोंट नो वेयर आई एम शी सेड लिस्टलेसली परेशान होकर इन द एफर्ट टू कीप द पैरेट क्वाइट बाय श्योरिंग हिम शी वाज टेकिंग नोटिस ऑफ हिम वो बस इसलिए जवाब दे दें ताकि तोता क्या है चुप हो जाए आई ओनली नो दैट इफ हैड नॉट नॉट गिवन मी हर टू एस्केप विद आई शुड बी है तो उस समय पार्टीशन के टाइम पे जब ये लाहौर से भाग रही थी उस समय इनकी एक मित्र थी फटो उन्होंने एक बुरका दिया बुरका जो एक काला जो मुस्लिम औरतें पहनती है और वो पहनकर ये पाकिस्तान से भाग पाई नीतू की करनी है यानी व्हाट आर यू डूइंग द पैरट परसिस्टेड विद द थर्ड कॉल विच रुकमनीस फ्रेंड्स यूज टू ऑटर नथिंग सन आई एम डूइंग नथिंग ओनली वेटिंग कुछ नहीं कर रही हूँ बस इंतजार ही कर रही हूँ द ओल्ड वुमेन्स टायर्डली एस दो नाउ शी वॉज होल्डिंग अटेफारिकल कॉन्वर्जेसन विद हर पेट टू कीप हर माइंड ऑक्यूपाइड तो क्या है अब ऐसा लग रहा था जिस तरह से वो जवाब दे रही है अपने तो वो -तो, कुछ नहीं कर रही बस इंतज़ार कर रही हूँ <laughs> तो क्या है ऑलमोस्ट लाइक अ मेटाफॉरिकल कॉन्वर्जेसन अबाउट ही लाइफ इन द वर्ल्ड जैसे एक फिलोसॉफी अगर आप देखिए तो वॉट आर यू डूइंग करने को तो क्या है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन अगर लार्जर कंटेक्स में देखा जाए व्हाट एम आई डूइंग व्हाट एम आई डूइंग कोरोना टाइम में बैठ के मैं स्क्रीन के साथ बात कर रहा हूँ ये किताब पढ़ के शायद आप लोग ये वीडियो देखेंगे बिना आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मैं बैठ के फिर भी बना रहा हूँ वाई एम आई डूइंग दिस क्योंकि मुझे सैलरी मिल रही है लेकिन सैलरी तो बिना वीडियो बनाए भी मिल जाएगी सो आई एम आई डूइंग ऑल दिस सो ऑल ऑफ दिस लाइक सॉर्ट ऑफ अ मेटाफोरिकल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन की जैसे जो सवाल उठता है ना कि इंसान को क्या करना चाहिए उस टाइप का फिलोसॉफी सो या फॉर फॉर फ्रॉम हर एंट्रिय रोज अ कन्फ्यूजन विच वॉज लाइक द पैनिक शी हैड फेल्ट एट द मैड मॉप बर्स्टिंग विद द शाउट्स ऑफ अलाहू अकबर हर हर महादेव सत श्री अकाल ऑन द नाइट ऑफ द टेरर वैच शी हैड फ्रॉम द लेन तो इस सब के बीच में क्या है जैसे बार बार उसे फ्लैश आ रहे हैं जैसे मूवीज़ में आप देखते हैं ना फ्लैश बैक ही पुरानी याद आती है लोगों को तो वैसे ही याद आ रही है कि दैट नाइट ऑफ टेरर जब क्या है उसकी पूरी गली में ये सब नारे लग रहे थे अल्लाह अकबर हर हर महादेव और सत श्री अकाल जो कि सिखों का है नारा देर हैड बिन फ्लैशिज़ ऑफ ब्लेजिंग लाइट क्रैकिंग ऑफ बर्निंग हाउस बीम्स हाउस बीम जो घर पे जो अगर लकड़ी के जो पुराने घर होते हैं उस पर जो बीम होते हैं वो सब जल रहा है और क्रैक हो रहा है लकड़ी है स्मोक स्मोक चोकिंग स्मोक दम घोटने वाला धुआं हर जगह आग एंड शी हैड थॉट दैट हर लास्ट डेज हैड कम एंड दैट द अर्थ इट्स सेल्फ ऑस ट्रवल थ्रू द मिस डीड ऑफ द कलयुग एंड दैट सून द धरती वुड ओपन अप एंड सॉलो एवरीथिंग तो वो ये बूढ़ी औरत है रिलीजियस औरत है तो उन्हें तो लग रहा था कि उस दिन उनकी मौत आ चुकी है और क्या है कलयुग बिल्कुल फैल गया है और धरती ही जल्द ही क्या है खुल के सब कुछ निकल जाएगी एंड देन फतो कम एंड है फिर उनकी मित्र फतो आती है और उन्हें बचाती है जैसे कि पहले भी बात हुई है नी तू की करनी है नी तू कितें है पैरट क्या है कीप्स ऑन रिपीटिंग दिस क्वेश्चन नथिंग सन नथिंग रुकमानी आंसर्ड एंड आई डोंट नो वेयर आई एम फाइनली वो बोल देती है पता नहीं यार मुझे कहा हूँ मैं <laughs> तो एक तरह से क्या है ऑफ कोर्स शी नोज़ वेयर शी इज़ वो कचहरी रोड पे है अमृतसर में है लाहौर से आ चुकी है और डीसी का इंतजार कर रही है लेकिन साथ में वही जो फिलोसॉफिकल वाली हम जो बात है पता नहीं वेयर आर यू कहाँ हूँ मैं पता नहीं बोलने को भर मौर में हूँ लेकिन पता नहीं कहाँ हूँ दिमाग शायद मेरा कहीं और ही है सो एनी एंड एज शी लुक स्टडली टुवर्ड्स द जंक्शन ऑफ द मॉल रोड एंड कचहरी रोड एंड सॉ नो साइन ऑफ द डी सी हर लास्ट फ्लेज सीम टू गेट मीनिंग और क्योंकि जब उसने देखा डी सी आई डी सी का कोई नामो निशान नहीं है तो शायद क्या है उनकी ये जो जो ये सब फिलोसॉफिकल बात चल रही है उसमें और भी कुछ मीनिंग आ जाता है रुक्मेनिये, नी रुकमणिए द पैरट कॉल्ड अगैन हर आंसर्स टू हिज श्रिल नेजल क्राइज श्रिल नेजल क्राइज तोते की आवाज़ कैसी होती है अगर आपने कभी सुनी हो तो डिन नॉट हर एनी मोर लेकिन अब वो ये सब तोते से इरीटेट नहीं हो रही थी बट रिलीव द दवी प्रेशर ऑफ द टीम ऑफ द ड्रेडफुल नाइट ऑन ऑनर हेड एंड चेस्ट एंड पॉल्स तो कहाँ शुरुआत में देखा जा रहा था कि द पैरट्स क्वेश्चन वर इरीटेटिंग द ओल्ड वूमेन लेकिन अब धीरे धीरे क्या है जब रुकमणि को खासकर पुरानी जो दर्द भरी और खौफनाक यादें आ रही याद आ रही है जिस दिन इनकी गली में दंगे हुए थे तो तब क्या है कहीं ना कहीं उसे अब तोते की बातें अच्छी लग रही है तोते से बात अच्छा लग रहा है कॉज दैट इज ऑर्ड ऑफ अ सेंस ऑफ फेमिलियरिटी वही उसके जीवन में एक ही साथी है वही उसके बच्चे जैसा है तो इसलिए अब उन्हें अच्छा लग रहा है नीतू की करनी है द पैरट परसिस्टेड सन आई एम वेटिंग फॉर द साहिब सो दैट ही कैन गिव मी सम मनी टू बाई ब्रेड विद दे से दैट द कांग्रेस सरकार विल गिव बैक वॉट वी हैव लॉस सन दे से आई हर्ड एट द स्टेशन सन एट द स्टेशन Are you 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 hungry, hungry. my son? You must be hungry. I shall buy you some gram from that stall keeper when the sahib gives him money. तो अब तोते से बातचीत चल रही है कि क्या है कांग्रेस सरकार उस समय तो बस कांग्रेस ही थी कांग्रेस सरकार ने कहा है कि जो भी जो विभाजनशील जो लोग आए हैं और जिन्होंने जो कुछ जो उनका छूटा है वो इन्हें वापिस मिलेगा पैसे मिलेंगे एक्सेट्रा तो इसलिए रुकमणी इंतजार करे तो ऑब्वियसली होता है अब लोगों को खासकर जब ऐसे विपदा के समय में सरकार से उम्मीद होती है बट एट द सेम टाइम वी नो कि सरकार क्या करती है जैसे कोरोना टाइम अभी चला था तो शायद होपफुली आपने न्यूज़ देखा उस समय खासकर लॉकडाउन के समय पे यू you नो know, हम लोग तो आराम से बैठे थे यहाँ हिमाचल में जिसके पास पैसे हैं वो ठीक है बट शायद अगर आपने देखा हो ये जो माइग्रेंट लेबरर्स है ये जो मजदूर हैं इनकी क्या हालत हुई थी इस समय पे पैसा नहीं है कहीं जाना नहीं है 500-600 किलोमीटर पैदल चल के घर जा रहे क्योंकि शहर में तो अब काम बचा नहीं पैसा है नहीं सो ऑल ऑफ दैट यू नो सो समथिंग लाइक दैट हाँ तो अब क्या है ये बोल तोते को कि चने खरीदेगी तभी क्या है चने जी चने बेचने वाला द ग्रैंड स्टॉल कीपर वो कुछ बोलता है क्या माई आर ड्रीमिंग यू हैव गॉन मैड गो योर वे टू द टाउन यू मे गेट सम फूड एट द दरबार साहिब टेम्पल यू वॉन्ट गेट एनीथिंग फ्रॉम द डिप्टी कलेक्टर अब ये जो क्या है रुकमनी है शी इज़ एन ओल्ड वूमे भोली औरत है उन्हें लगता है सही में कि जो ये जो अफवाहें हैं और सरकार है जो डिप्टी कलेक्टर सही में इनकी मदद करेगा लेकिन चने वाला क्या है रोज़ वहीं बैठता है बाहर उस ऑफिस के और उसे पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला उन्होंने शायद हज़ारों लाखों लोगों को देखा है रोज़ ऐसे बाहर बैठे हुए उम्मीद लगाए लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता सुशी से और वो इसीलिए बोल रहे कि तुम सपने देखना बंद करो चुपचाप से उससे अच्छा दरबार साहिब का जो टेम्पल या फिर गुरुद्वारा है वहाँ पर लंगर खाओ यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर से कुछ नहीं मिलने वाला वे ईटर ऑफ योर मास्टर्स अब ये देखिए ट्रांसलेशन हाँ ईटर ऑफ योर मास्टर्स तो अगर आप उसको कहा जाए तो बेसिकली यू नो हालांकि मुल्क राज आनंद इज रोट इन इंडियन रोट इन इंग्लिश लेकिन फिर भी असल में ईटर ऑफ योर मास्टर्स इज वॉट लाइक ज़ादे या फिर हराम खोर तो उसको क्या है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है मुल्क राज आनंद ने खुद सो एनी हाउ जा जा ईटर ऑफ योर मास्टर्स शी शाउट बिटरली सच कॉमन सेंस इज दैट ऑफ द कम्पलेस एंड क्राइम सेलर सीम टू ब्रेक द पिक्चर ऑफ अर होप्स क्योंकि उसके अंदर जो क्या है पिक्चर यानी घड़ा उम्मीद का जो एक घड़ा बैठा हुआ था डिप्टी कलेक्टर के प्रति वो क्या है जो ग चने वाला है उसका जो कॉमन सेंस है वो उसे तोड़ रहा था एंड शी मूड लाइक अ काउ इन डिफाइंस एट द एंड ऑफ हर स्पीच और एक गाय की तरह उसने एक आवाज निकाली इन यानी एक तरह से मना करने के लिए कि नहीं उसे मदद मिलेगी अच्छा डोंट अब्यूज मी आई ओनली सैट दिस फॉर योर ओन गुड मैन तो आपके भले के लिए बोला था द स्टॉल कीपर आंसर्ड एज यू विस्त द फ्लाईज ऑफ इज लुक एट द इमेजेस तो क्या है बड़ी सिंपल चीज़ है चने वाला क्या कर रहा है मखियाँ हटा रहा है अपने एप्रन या फिर एक जो गमछा है टॉवल है डर्टी एप्रन उससे वो इधर उधर उसको मखियाँ हटा रहा है ओ वाई डिड आई लीव होम टू वॉन्डर लाइक दिस फ्रॉम डोर टू डोर ओल्ड रुक मनी वाई इन ऑलमोस्ट अंडर ब्रेथ ओ वाई डिड यू हैव टू टर्न मी आउट ऑफ माई रूम इन माई ओल्ड एज गॉड ओ वाई डेंट आई दू रुपीज आई नॉट ऑन माई दुपट्टा हाई रब्बा तो जैसा कि होता है मुश्किल के समय में कठिन समय में लोगों को चीज़ें याद आती है तो अभी एक भगवान को कोस रही कि हे भगवान बुढ़ापे में तूने मुझे ऐसे अपने घर से हटा दिया और क्या है जो मैंने पैसे कमाए थे काश मैं वो अपने दुपट्टे में बांध लेती हाय रब्बा एट्सट्रा एट्सेट्रा शी मोन टू हर सेल्फ मोन यानी करहाना दर्द से She moaned to टू हर सेल्फ एंड ट्रेमर्स ऑफ टेंडरनेस through थ्रू हर फ्लैश ट्रेमर्स पर है टेंडरनेस उसके rhythms डस्ट बिफोर हर द falling रिदम्स ऑफ द groaning फॉलिंग and ग्रोनिंग मैन एंड हैवी शाउटिंग मैन डांस इन of sunlight और वो ये हेज़ी डस्ट जो धूल के समय में गर्मी के समय में उससे साथ ही साथ अब क्या है प्रेजेंट और पास्ट अब मिक्स हो रहा है उसे फिर से फ्लैशबैक्स आ रहे हैं आदमी लोग लड़ रहे हैं चिल्ला रहे हैं घर जल रहे हैं घिर रहे हैं और क्या है डिम हैशियल लाइक द घोस्ट ऑन अ क्रीमेशन ग्राउंड बिफोर होम शेड ऑलवेज काउड एवरी टाइम अटेंडेड अ फ्यूनरल जैसे कि क्या है किसी जो शमशान घाट होता है वहाँ पे अभी भी जैसे अगर आत्माएं अगर Uh, आसपास घूम रही हो जो कि रुकमणी को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता था जब भी वो किसी फ्यूनरल में जाती थी शी शीज़ टू फील घोस अराउंडर तो वैसे ही अभी क्या है उसे उस रात की यादें एक किसी भूत प्रेत की तरह आ रही है रुकमणि ने रुकमणि द पैरट कॉल्ड एंड ब्रॉटर टू हर सेल्फ तो कहीं ना कहीं अब देखिए तोते का रोल बदल गया पहले तोता उसे इरिटेट कर रहा था बार बार कुछ कुछ पूछ के जैसे बच्चे नहीं करते मम्मी मम्मी ये बताओ पापा ये करो ये करो पापा पापा बताओ ना बताओ ना थिंग्स लाइक दैट लेकिन अब जब रुकमणी की साइकोलॉजी दिमाग में जब ये सब टॉर्चर चल रहा है उसे ये सब फ्लैशबैक्स आ रहे हैं उस रात के तो तोता की जो आवाज़ है अब उसे वापस प्रेजेंट में लाती है ब्रिंगिंग हर बैक टू हर सेल्फ तो तोते का भी एक जो अब सहारा बन गया वो ही इज नॉट इरिटेटिंग हर एनी मोर क्रैकलिंग फ्लेम्स ऑफ हीट ना ओ सेल्ड हर गर्मी बढ़ते जा रही है एंड शी स्वेटेड मोर प्रफ्यूसली पसीना आ रहा है और भी एंड येट शी क्राउश वे शी वॉज ओनली शफलिंग लाइक अंडिंग ओवर अर एक्स लेकिन फिर भी वो वहीं बैठे रही रोड के बगल में बस थोड़ा इधर उधर साइड में जैसे कि क्या है कोई मुर्गी अपने अंडों पर बैठ के थोड़ा थोड़ा साइड होती है एटलीस्ट गो एंड सिट अंडर द शेड ऑफ द ट्री द ग्राम सेलर सेट कम से कम क्या है पेड़ के छाँव के नीचे बैठ जाओ दीपल्स ऑफ अर आइज ब्लिस्टरिंग विद द ग्लेयर ग्लेयर जो डायरेक्ट लाइट आती है धूप

सौ साल एक सदी का जो दुख है वो अपने साथ उठा रही है देन शी टुक द हैंडल ऑफ द आयरन केज इन विच हर पेट पैरट सैट पेंट बैक बट स्टेयरिंग अ एम्बल्ड अप टू अ स्पॉट वेद द प्रकैर एज ऑफ अ कीकड़ ट्री ऑन द रटेड अर्थ तो तोते को लेकर एक कीकर पेड़ के, पेड़ के पेड़ के नीचे बैठ गई नी तू कितने हैं नी द पैरट्स मोनोलाग कंटिन्यूड मोनोलॉग डायलॉग डायलॉग दो लोगों के बीच में मोनोलॉग बस जब एक ही इंसान जब एक ही कोई बोलता है सो डिड हर सेल्फ कम्युनिक सेल्फ कम्युनिक जो वो अपने से बात कर रही है बातचीत अर हाउस बाय द अनॉनिमस मीनिंगल्स नो वे अनॉनिमस मीनिंग शेड हार्डली सेटल डाउन वैन सडनली अ मोटर वर्ड पास विद मोटरसाइकलिस्ट अड एंड सम पुलिस मैन इन अ जीप बिहाइंड स्कैटरिंग सच टस्ट ऑन द फ्रिंज ऑफ द रोड साइड एकदम से क्या है अभी गाड़ी आ गई है मोटरसाइकिल पुलिस मैन आ गए तो बेसिकली क्या है जैसे कि चने वाला बताता है देर गोज डिप्टी कलेक्टर डीसी साहब पहुंच चुके हैं हाय हाय कम माय सन शी स्क्रीन शी शॉट अप विद ग्रेट एलैक्रिटी एंड पिक्ड अप द केज इन हर हैंड कम आई विल जॉइन माय हैंड्स टू द साहिब एंड फॉल एट हिज फीट मैड वुमन द सेड विकली तो एकदम से क्या है विद ग्रेट एलैक्रिटी बड़ी जल्दी से उठकर वो तोते के साथ जाती है और बोलती है कि अब साहिब के पैर पड़ूंगी और मदद मांगूंगी चने वाला क्या बोलता है पागल औरत सिनिकली सिनिकली यानी एक होता है ऑप्टिमिज्म उम्मीद जो बोलते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव जैसे बोलते हैं ग्लास अगर आधा एक ग्लास में पानी भरा है तो क्या है वो आधा फुल है या आधा एम है इज़ इट हाफ फुल और इज़ इट हाफ एम तो कहा जाता है जो लोग क्या है आशावादी लोग होते हैं ऑप्टमिस्ट लोग होते हैं वो कहेंगे आधा भरा है और जो नेगेटिव लोग हैं या फिर क्या है जो आ, पेसिमिस्ट लोग हैं वो कहेंगे कि ग्लास आधा खाली है सो समथिंग लाइक दैट यू नो सीनिकिज्म इज़ द वन हु इज सॉर्ट ऑफ अ पेसिमिस्ट जो उम्मीद ना रखे जिसे क्या है एक तरह से दुनिया के बारे में पता है जैसे कि तो इसीलिए वो कह रहा था कुछ नहीं होने वाला शी ही डिम डिम नॉट लेकिन उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया बट पेनीट्रेटेड द क्लाउड्स ऑफ डस्ट लेकिन ये जो गाड़ियों से जो धुएँ का जो बादल उठे हैं धुआं के सॉरी धूल के बादल उठे हैं उसमें वो पेनीट्रेट घुस गई Behind her and on all sides, she could hear the sound of rushing feet storming towards the gloomy gates of the Kacheri. अब तक क्या है आपको बस तीन कैरेक्टर्स थे चने वाला रुकमणि तोता और एक डीसी साहब चौथा जिनका इंतज़ार था अब जाके कहानी में अब आपको क्या है बताया जा रहा है कि रुकमणि वहाँ अकेले इंतज़ार नहीं कर रही थी और भी कई डज़न्स एंड कई कुछ एक पूरा एक मॉप दे लॉर्ड ऑफ अदर पीपल लाइक हर क्योंकि एज यू नो पार्टीशन में लाखों लोगों को uh, इधर उधर होना पड़ा था डिस्प्लेस हुए थे तो रुकमणी इज़ नॉट ओनली वन और भी कई उसके जैसे पीड़ित लोग बैठे हैं और सब इसी आस में है कि डी साहब को पकड़े और उनसे मदद मांगे तो अब क्या है हर जगह से साउंड ऑफ रशिंग फीट पैर भाग रहे हैं टूवर्ड्स द कचेरी एंड देयर क्राइज़ वर्ल्ड इन द एयर हुजूर माय बाप हियर एस सरकार डिप्टी साहब वी हैव कम ऑन फुट ऑल द वे फ्रॉम लाहौर सब क्या है पैदल आए हैं लाहौर से ही रुकमणी की तरह है. She nearly fell as the more powerful men among the crowd brushed past her and their own women. रुकमणी ऑलमोस्ट क्या है घिर गई क्योंकि क्या है भीड़ है भगदड़ मच गई है और ऑब्वियसली जो ज़्यादा शक्तिशाली मर्द वगैरह वो उसको धक्का उक्का दे के आगे बढ़ चुके हैं रुक्मणि ये तो कितें हैं द पैरट इन द केज क्राइड इवन एज ई फ्लटर इज विंग्ज इन अ पैनिक एट द वॉइस इज एन द हर्डलिंग फीट तोता भी परेशान हो रहा है इस भगदड़ में द ओल्ड वुमेन डिड नॉट आंसर बट स्पेड ग्रिमली ऑन लेकिन बूढ़ी औरत आगे चलती रही ओनली इन अ मोमेंट द डस्ट टॉम विच इज़ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द कोर्ट वॉज टर्न बैक बाई अ फ्यूरियस वर्ल्ड विंड फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन अः पॉसिफ पुलिसमेन चार्ज द रिफ्यूजीज विथ लाठीज एंड एंग्री शाउट्स विच ट्राउंड द कोर्स ऑफ वॉइस ऑफ विच रुकमणी साइज एंड अ पैरट्स अ पार्ट लेकिन जैसा कि हाँ हम अक्सर देखते हैं <laughs> पुलिस कभी कभार एन मौके पहुंच जाती है और अभी इस कहानी में ऐन मौका क्या है जैसे ही जो भीड़ है कोर्ट में डीसी के पास पहुंचने वाली थी वैसे ही पुलिस वालों ने क्या है जो ये रेफ्यूजी की भीड़ थी उन पे लाठियां बरसानी शुरू कर दी और इसी भीड़ में रुक्मणी और वो तोता भी थे इन द डिलीरियम ऑफ मोशन मोशन यानी क्या है उथल चलना यानी हिलना मूवमेंट तो इस ये जो मोशन के जो पागलपन है एक तरफ से रेफ्यूजीज घुसने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट में और दूसरी तरफ से पुलिस वाले उन पर लाठियाँ बरसा रहे हैं लाठी चार्ज हो रहा है सो इन दिस डिलीवरी मोशन विच वॉज सेटअ फुट बाई द लाठी चार्ज ऑफ द पुलिस ऑल वेलर वॉज हेल्ड एट बे एंड बैक वेलर ब्रेवनेस यू नो एक करेज uh, तो ऐसे में क्या है जो भी साहस लोगों में था वो धीरे धीरे ख़त्म हुआ और वापस मुड़वा दिया गया पुलिस वालों की लाठी के द्वारा रुकमणी असाइड बाय सम बाई आर्म आम शी रील्ड एंड फेल नॉट फार फ्रॉम वेयर शी हैड सैट वेटिंग फॉर द साहेब इसी धक्का मुक्की में वो वापस कहीं उसी जगह के आसपास पहुंच गिर पड़ती है जहां पे वो पहले इंतज़ार कर रही थी डीसी का बट शी क्लंग टू हैंडल ऑफ द केज इन विच हर पैरट सैट suppressed, helpless whispers. लेकिन अभी भी उसके हाथ में क्या है जो पिंजरे का हैंडल है और उसका तोता साथ है हालांकि वो खुद क्या है करा रही है और अपने धीरे धीरे अपने फेट पे रो रही है द पैरट फ्लटरिंग फ्यूरियसली फ्लटर यानी पंख फट 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 आ रहा तो फ्यूरियसली फट आ रहा है पैरट एज दो ही वॉज बींग स्ट्रैंगल्ड कॉल्ड आउट शीली क्योंकि तोता भी परेशान है और उसे पता है जो उसकी रुकमणी है उसकी मालकिन है वो क्या है बहुत कष्ट में हैं। है रुकमणिय रुकमणिये नहीं तो कितने हैं नहीं तो की करनी है अब तोते को एक्चुअल में जस्ट थिंक अबाउट इट यू नो द पैरट डज नो वट ही इज सेंग ये सब तो क्या है रुकमणी की मित्र उसे बोलती थी कि कहाँ है रुकमणि क्या कर रही है और ये सब तोते ने बस साउंडस जो क्या है याद कर लिए उसे असल में नहीं पता वो क्या कर दिया लेकिन उसे जो आता है बेचारा वो बोल रहा है क्योंकि वो अपने मालकिन से क्या है देखना चाहता है कि वो ठीक है कि नहीं वो ये तो नहीं बोल सकता कि हाँ कैसी हो तुम ठीक हो ना लेकिन उसे जो आता है तोता वही बोल रहा है बट दी ओल्ड उमैन दो कंसर्न फॉर हिम है टर्न इन अपॉन हर सेल्फ विद सडन डिमनेस दैट सीम टू बी क्रीपिंग इन क्रीपिंग अपॉन हर लेकिन जो बूढ़ी औरत है हालांकि शी हैड कंसर्न फॉर हिम हालांकि उसे तोता की तोते की भी चिंता थी लेकिन अभी क्या है वो अपने कष्ट में अपने अंदर ही खो गई थी और एक सडन डिमनेस दैट सीम और उसके अंदर ही क्या है एक सडन डिमनेस डिम यानी डार्कनेस एक तरह से डिम लाइट है ना वो अब धीरे धीरे उसके अंदर बढ़ रही है आफ्टर द क्राउड हैड बीन क्लियर डस्ट सेटल्ड अब क्या है पुलिस वालों ने पूरी भीड़ को क्लियर कर दिया इधर उधर पहुंचा दिया एंड द डस्ट जो धूल उठी थी सब भगदड़ में वो भी सेटल हो गई है वापस जमीन पे द ग्राम सेलर वॉज इरिटेटेड बाय द पैरट्स कॉन्स्टेंट क्राइज फ्रॉम इस पर्च अब क्या है वापस एक तरह से शुरुआती तौर पे अब अब आते हैं अब चने वाला इरीटेट हो रहा है तोते के बार बार बोलने पर ही वॉज दैट फ्रेड ओल्ड वुमन एड एक्सपायर्ड

अब चने वाला है जो अब आई एंड में आप देखिए जो क्या है कॉमन मैन एंड में डिप्टी कलेक्टर से तो कुछ मिला नहीं लेकिन क्या है चने वाला ही इनकी मदद कर रहा है जिसे ये कुछ समय पहले गालियाँ दे रही थी हराम ज़्यादा ये सब बोल रही थी हाँ अच्छा सन अच्छा अब क्या है माँ बेटा बोल रहे एक दूसरे को एंड शी लिफ्टेड द केज एंड प्रोसीडेड टुवर्स द शेड द पैरेट वाज अ लिटिल रीअश्योर्ड एज ही सॉ द ग्राम सेलर हेल्पिंग हर मिस्ट्रेस एंड ई श्री क्लैशी तोता भी थोड़ा शांत हुआ ये सब देखकर कम माय लिटिल विंग्ड वन आई शैल गिव यू सम ग्राम टू ईट द ग्राम सेलर सेट टू हिम अब चने वाला क्या है उसको कुछ चने देगा मे यू लिव लॉन्ग सन द ओल्ड वुमन ब्लेस द ग्राम सेलर इन अ फीबल स्ट्रेंड मोनफुल वॉइस एक बड़ी क्या है कमजोर आवाज़ बची है अब औरत की है नहीं रुकमणिए है तू कितें है तू की कर रही है द पैरट कॉल्ड नाउ इन स्लो मेजर्ड वॉइस अब तोता तो भी क्या है धीरे धीरे बात कर रहा है और रुकमणी के पास बस यही जवाब है हाँ हाँ सन हाँ माई सन आई डोंट नो वेर आई एम आई डोंट नो मुझे नहीं पता जीवन मुझे कहाँ ले आया है किस कगार पे ले आया है अगेन बोलने को तो अमृतसर में है लेकिन पता नहीं मैं कहाँ हूँ एंड दैट इज द स्टोरी होपफुली यू हैव योर बुक्स नाउ एज़ आई टोल्ड यू आपकी दोनों किताबें लाइफ अनफोल्डेड और ब्लॉसमिंग माइंड बग्गा जी के शॉप में हैं गो थ्रू द क्वेश्चन रेफरेंस टू कंटेक्सट तो बेसिकली आपको एक पैसेज दिया जाएगा आ, किसी भी चैप्टर से जैसे कि एक दो तीन लाइनें दी जाएंगी तो उसमें आपको पहले रेफरेंस टू कंटेक्स सबसे पहले तो आपको बताना है ये आ, जो पंक्तियाँ हैं लाइंस हैं. ये कहाँ से दी गई है आपको बेसिकली संदर्भ देना है और रेफरेंस देना है ये सब आपने किया है पहले सो so अगर मान लो आपको इस स्टोरी से कुछ तीन चार लाइनें गई है so सो आपको पता होना चाहिए कि राइटर कौन है मुल्क राज आनंद है और स्टोरी का नाम क्या है पैरट इन द केज सुड गो समथिंग लाइक दैट कि द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी पैरट इन द केज रिटन बाय मुल्क राज उसके बाद आप एक दो लाइन में पूरी कहानी का एक तरह से एक मेन थीम देंगे जो कि पार्टीशन के बारे में आप यहाँ बात कर सकते हैं कि दिस स्टोरी इज अबाउट द फ्लाइट एंड द सफरिंग ऑफ मिलियंस मिलियंस ऑफ पीपल हुआ डिसप्लेस ड्यूरिंग द पार्टीशन ऐसा कुछ एंड देन फाइनली फिर क्या है अब ये जो एक्चुअल में जो क्वेश्चन में जो लाइने दी गई है उनको आप समझाएंगे सो दैट्स हाउ यू नीड टू हैंडल द रेफरेंस टू कंटेक्स क्वेश्चन वी कैन डिस्कस दिस मोर Or yeah, that's it. Thank you.